हेलो, गुड मॉर्निंग। आपकी इंग्लिश टीचर दीप्ति वर्मा। आज मैं आपके सामने RBSE क्लास फिफ्थ चैप्टर नंबर 2 लेट्स लर्न प्राणायाम रीडिंग कराने जा रही हूँ। आप ध्यान से देखेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, कैन यू नेम दीज योगासन। क्या आप इन योगासन के नाम जानते हैं? फर्स्ट योगासन है आपका चक्रासन। ओके, नंबर 2 है आपका सर्वांगासन। ओके, नंबर 3 है आपका हलासन और नंबर 4 है आपका भुजंगासन। ये 4 योगा हैं आपके यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ दीज डू यू परफॉर्म इन द प्रेयर असेंबली। इनमें से आप कोई जो यो योगा हैं आप असेंबली में परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है आपका, व्हाट चेंजेस हैव यू फेल्ट इन योर बॉडी आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन। योगासन करने के बाद आपकी बॉडी में क्या फील करते हैं आप, क्या होता है, मतलब अच्छी फीलिंग आती है आपको या कैसी आती है, ये आपको देखना है। ओके, नेक्स्ट है आपका, स्टार्ट करेंगे, लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम एंड इट्स अ बेनिफिट। इसकी क्या बेनिफिट है और ये कैसे सीखा जाता है। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ। शिवम और नितिन क्लास फिफ्थ के बच्चे हैं। वन डे दे गॉट अप अर्ली। एक दिन वो जल्दी उठे। इट वॉज़ अ प्लीजेंट मॉर्निंग। बहुत सुहावनी सुबह थी। देखो यहाँ पे वॉज़ और वर का यूज़ हो रहा है। इसका मतलब जो पूरी स्टोरी है हमें पास्ट को इंडिकेट कर रही है कि पास्ट टाइम के बारे में वो सब बता रहे हैं। वॉज़ वर का यूज़ हो रहा है या फिर वर्क के सेकेंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है। देखो, दे वेंट टू अ पार्क। वे पार्क में गए। कौन कौन गए? शिवम और नितिन पार्क में गए। फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए। दे सॉ, उन्होंने क्या देखा यहाँ पर? बहुत सारे लोग, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग देखे थे। कहाँ पर? पार्क में। पार्क में उन्होंने बहुत सारे लोग देखे थे। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ। सम ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से कुछ। वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क। अराउंड द पार्क मीन्स पार्क के चारों ओर जो ट्रैक होती है उस पर वो रन कर रहे थे, उस पर वो दौड़ रहे थे। ओके, नेक्स्ट है चिल्ड्रन वर प्लेइंग। चिल्ड्रन वर, देखो वर है यहाँ पर और बहुत सारे बच्चे हैं तो वर का यूज़ हुआ है। तो ये वॉज वर का यूज़ लगातार हो रहा है या फिर सेकेंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है। पास्ट को इंडिकेट कर रही है पूरी इंसिडेंट, पूरी घटना पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रही है। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। इन द मिडिल ऑफ द पार्क, पार्क के बीच में। सम पीपल वर सिटिंग, कुछ लोग बैठे हुए थे। वर सिटिंग मीन्स बैठे हुए थे। एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेज, और वो पोजेज बना रहे थे, डिफरेंट पोजेज बना रहे थे। शिवम वंडर्ड, देखो सेकेंड फॉर्म आ गई वंडर की, वंडर्ड। शिवम को आश्चर्य हुआ। वॉट दे वर डूइंग, वो क्या कर रहे थे? ये लोग सब थे जो बैठे थे, पोजेस बना रहे थे, वो क्या कर रहे थे? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब एक जानने की इच्छा से। बोथ द फ्रेंड्स, देखो यह बोध आया है जब दोनों की बात हो रही है ना, दो बोथ द फ्रेंड्स मतलब दोनों फ्रेंड्स। वेंट नियर देम, उन लोगों के पास गए। देयर वॉज अ योगा टीचर, देखो वहाँ पर कौन थे? योगा टीचर थे। हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शन, वो निर्देश दे रहे थे। टू अदर, दूसरों को निर्देश दे रहे थे। कौन दे रहे थे? योगा टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे अदर्स को। ही सेड, माई डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय दोस्तों, लेट्स लर्न प्राणायाम। अब हम क्या लर्न करेंगे? प्राणायाम लर्न करेंगे। कैसे प्राणायाम करते हैं वो आज हम सीखेंगे। कहाँ पर? टूडेज योगा क्लास, आज की योगा क्लास में। ओके, अब देखो दिखा, नीचे दिखा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज़ प्राणायाम, क्या है प्राणायाम। अब यहाँ पर इसका यूज़ हुआ है, अब यहाँ पर इसका यूज़ हुआ इज़ ए प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये तो नॉर्मल बात है। आज भी हम सब लोग यूज़ करते हैं प्राणायाम, सभी यूज़ करते हैं। तो होता क्या है प्राणायाम? तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं समबडी आज, किसी ने पूछा क्या है प्राणायाम, प्राणायाम क्या होता है। देखेंगे, प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। प्राणायाम क्या है? देखो, ब्रीथ को कंट्रोल करना और ब्रीथ को बढ़ाना ही है
प्राणायाम प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ बाई प्रैक्टिसिंग इट. प्रैक्टिस करके प्राणायाम की प्रैक्टिस करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट. हम हमारी जो सांस की गति है ना, ब्रीथिंग की गति है, उसे रिड्यूस कम कर सकते हैं. और रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. जो रिड्यूस्ड रेट है, जो कम रेट है ब्रीथिंग की, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं. इट स्लोज डाउन हर्ट रेट. ये क्या करती है, देखो यहाँ पर प्रेजेंट का यूज़ हो रहा है, स्लोज, स्लो में एस लगा हुआ, ये पास्ट को इंडिकेट नहीं कर रही है, स्लोज इट मीन्स यह करती है, हम ये इसके मतलब हमेशा करती है, ऐसा नहीं कल किया आज नहीं किया. इट स्लोज डाउन हर्ट रेट, यह हर्ट रेट को स्लो करती है. रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को कम करती है. और रिलैक्सेस बॉडी, और बॉडी को रिलैक्स करती है, बॉडी को और माइंड को. प्राणायाम इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारी जो जीवन को, जो जीवन जितने की वो है ना शक्ति, उसको भी बढ़ाती है. हम ज़्यादा जीवित रहेंगे, ज़्यादा हमारी लाइफ अच्छी हेल्दी रहेगी अगर हम डेली प्राणायाम करेंगे. ओके, नेक्स्ट है प्राणायाम शुड बी डन. प्राणायाम करना चाहिए कब, देखो बता रहा है कि एन एम्प्टी स्टमक, हमें खाली पेट ही प्राणायाम करने चाहिए. ओके, प्राणायाम कब करने चाहिए, जब हमारा पेट खाली हो, एम्प्टी स्टमक हो, खाली पेट हो, तब हमें प्राणायाम करने चाहिए. प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग, प्रेफर मतलब हमें प्रेफर करना चाहिए किसमें, मॉर्निंग में प्रेफर करना चाहिए कि हमें स्पेशली मॉर्निंग में ही प्राणायाम करने चाहिए. यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग, आप इसे इवनिंग में भी कर सकते हैं, आप इसे इवनिंग में भी कर सकते हैं, बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 hours after the last meal. आपने जो लंच किया है उसके 4 घंटे बाद, मतलब आपकी जो कितना गैप होना चाहिए, जब इवनिंग लंच करें वो करेंगे आप प्राणायाम, 4 घंटे का आपका गैप होना चाहिए. ओके, शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड. अब शिवम और नितिन बहुत इंटरेस्ट हुए, बहुत अच्छा उनको मज़े आए, एंड ज्वाइन, उन्होंने ज्वाइन किया, ज्वाइंड, देखो ग्रुप को ज्वाइन किया, अब ये पास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, सेकेंड फॉर्म आ गई, ज्वाइंड, उन्होंने ग्रुप को ज्वाइन किया. आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम योगा टीचर, योगा टीचर से परमिशन लेकर उन्होंने योगा में पार्टिसिपेट किया, उसको ज्वाइन किया. ओके, द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम. अब टीचर ने स्टार्ट किया प्राणायाम के स्टेप को बताना, कि देखो कैसे, कौन से स्टेप पहले करते हैं, कौन सी बाद में करते हैं, अभी वो बता रहे हैं आपको. ठीक है, स्टेप वन देखेंगे. स्टेप वन में क्या है, सिट कामली, आपको पहले शांति बैठना है, क्या वैसे बैठना है, सिट कामली ऑन अ मैट, मैट पे बैठना है आपको, और क्लोज योर आईज, और आपकी आईज को क्लोज करना है, सी दैट पिक्चर, क्लोज योर आईज, आपको मैट पे बैठेंगे और आप आईज क्लोज करेंगे. स्टेप टू देखेंगे आप लोग, पुट लेफ्ट एंकल, आपको जो लेफ्ट एंकल है आप उसे कहाँ रखेंगे, ऑन राइट थाई, आपकी जो थाई है ना राइट वाली, उस पर आप रख देंगे. एंकल होता है जो घुटना, टकना होता है ना, टकना उसे बोलते हैं एंकल, उसे आप थाई पे रख देंगे. ओके, नेक्स्ट है आपका स्टेप थर्ड, नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई. अब देखो अब क्या करना है आपको, अब राइट एंकल को लेफ्ट थाई पे रखना है, पहले आपने लेफ्ट को रखा, अब राइट एंकल को रखना है. ठीक है, आप पोस्चर देख रहे हैं ना, बिल्कुल इस पोस्चर में बैठना है आपको, ये पोज है आपको, इसे बोलते हैं पद्मासन. ये जो पोस्चर है क्या कहलाता है, पद्मासन. पहले आपको लेफ्ट एंकल रखना था राइट थाई पर, उस अब सेकंड में आपको राइट एंकल रखना था लेफ्ट थाई पर. ओके, नाउ सी दिस पोस्चर, दिस इज कॉल्ड पद्मासन. In the beginning, you may find it slightly difficult to sit in this pose. देखो starting में आपको लग सकता है कि इस pose में बैठना बहुत मुश्किल लगे. Don't worry, but आपको worry, चिंता नहीं करना. With a little practice, थोड़ी practice से, उसको practice करके, you will learn it. आप इसे learn कर पाएंगे. Okay? अब देखो step 4 देखेंगे आप.
प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल। अब आपको प्रेस करना है, किसको प्रेस करना है, राइट नोस्ट्रिल को, आपकी राइट जो नाक है, मतलब जो अपना ये होता है दो होल होते हैं, तो राइट वाले को आपको प्रेस करना है विथ योर राइट हैंड। राइट हैंड से इसको बंद करना है, ओके, प्रेस करना है। एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल, और लेफ्ट नोस्ट्रिल जो छेद होते हैं दो, एक लेफ्ट से उससे सांस लेनी है अपन को, स्लोली धीरे धीरे ब्रीथ लेनी है। डू दिस, आपको ऐसा करना है टिल योर लंग्स आर फुल, जब तक करना है जब तक आपके लंग्स एकदम फुल ना हो जाए, आपको सांस लेनी है। देखो क्या करना है आपको, प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल, आपको राइट नोस्ट्रिल प्रेस करना है विद योर राइट हैंड, आपके राइट हैंड से उसको प्रेस करना है, राइट थंब से, ओके। एंड ब्रीथ इन स्लोली, और धीरे से सांस लेनी है फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल, लेफ्ट नाक से या जे छे से। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल, जब तक कि आपके लंग्स फुल ना हो जाएं, ओके। अब दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज दिस कॉल्ड पूरक, ये जो प्रोसेस है ब्रीथिंग लेने की इसे बोलते हैं पूरक। देखो दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक, ओके। सी दैट पिक्चर, आप देख रहे हैं ना इसने कैसे अपने नोस्ट्रिल बंद किया हुआ है और स्लोली स्लोली सांस ले रहा है, ओके। स्टेप फोर देखेंगे आप, होल्ड योर ब्रीथ, अब आपको ब्रीथ को होल्ड करना है, सांस को रोके रखना है, 4, 5 to 10 seconds, देखो 5 to 10 seconds के लिए आपको अपनी जो ब्रीथ है उसको होल्ड करना है, और ओनली एज लॉन्ग एज यू कम्फर्टेबली कैन। अब देखो आप इसमें लिखा है 5 to 10 seconds, बट आप अपने कंफर्टेबल के अनुसार और भी देर तक होल्ड कर सकते हैं, इट डिपेंड्स योर कैपेसिटी, ओके। दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक, जो होल्डिंग करने की प्रोसेस है ब्रीथ को वो होती है आपकी कुंभक, ओके। नेक्स्ट है आपका, आप पिक्चर्स को देखेंगे और आप क्लियर कर लेंगे अपना। स्टेप 6 देखेंगे आप, नाउ रिलीज द थंब, देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको रिलीज करना है थंब को, हटाना है धीरे से, एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल, और क्या करना है उसको फिर क्लोज करना है, किसको, लेफ्ट को। अब राइट से थंब हटाना है और क्या करना है उसको क्लोज करना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल को, ओके। किस से, विद योर रिंग फिंगर, देखो आपने जब थंब रिलीज किया हल्का हटाया आपने, और फिर आपको जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है वो आपके रिंग फिंगर से इसको क्लोज करेंगे, ओके। देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल, अब आपको सांस लेनी है धीरे, कहाँ से, थ्रू द राइट नोस्ट्रिल, आपको राइट नोस्ट्रिल से सांस लेनी है। अब ये क्या होता है, दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, ये जो ब्रीथ लेने की प्रोसेस है, देखो ब्रीदिंग आउट लिखा है, मतलब जो सांस ले रहे हैं बाहर साइड, वो कहलाती है रेचक। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रेचक, ओके। आप देखेंगे स्टेप 7 देखेंगे स्टेप, नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल, अब आपको सांस लेनी है कहाँ, किसे, इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल, राइट नोस्ट्रिल से सांस लेनी है, ओके। एक बार जब प्रैक्टिस करेंगे ना, पिक्चर को देखते हुए प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको तो मज़े आएंगे कि इसे ऐसे आप योगासन भी सीखेंगे और लेसन में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा आपका। फिर आप स्टेप आपकी 8 है, होल्ड योर ब्रीथ अगेन, अब आपको ब्रीथ को दोबारा होल्ड करना है। स्टेप 9 है, नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल, अब आपको राइट नोस्ट्रिल को प्रेस करना है विथ थंब। आप पिक्चर देखते जाओ और पिक्चर के अकॉर्डिंग अपनी एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे। एंड ब्रीद आउट फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल, और लेफ्ट से सांस को बाहर निकालना है, ओके। और स्टेप 10 है आपकी, यू मे स्टार्ट विथ 5 rounds, अब आप कैसे कर सकते, 5 rounds कर सकते हैं, एंड इंक्रीज इट अप टू 15 to 20 rounds। देखो स्टार्टिंग पहले आप कितने राउंड करेंगे, 5 rounds, उसके बाद धीरे धीरे आप इंक्रीज कर सकते हैं, कितने राउंड्स, 15 to 20 rounds से इंक्रीज कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है आपका, शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्नड प्राणायाम, अब देखो शिवम और नितिन थे ना बहुत हैप्पी हो गए, क्या करके, टू हैव लर्नड प्राणायाम, प्राणायाम को सीख के वो बहुत हैप्पी हो गए। दे थैंक्ड, उन्होंने थैंक किया किसको, योगा टीचर को, एंड डिसाइडेड
और ये निश्चय किया टू कम टू द पार्क, कि हम पार्क में आएंगे डेली। आने का उसने निश्चय किया कि हम डेली पार्क में आएंगे और क्या करेंगे, डेली योगा क्लास को अटेंड करेंगे। ओके, अब देखो चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। आपने समझा योगासन कितने बेनिफिट हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं योगासन के। तो डेली आप डेली घर पे या फिर पार्क में जाके योगा करेंगे और आपको लगता है डिफ़िकल्ट, आप अपनी पिक्चर देखेंगे बुक में और उसके अकॉर्डिंग योगा करेंगे। और जो स्टार्टिंग पेज में आपके जो योगासन आए हैं आप उनको भी लर्न करेंगे, उनको आप यूज़ करेंगे, परफॉर्म करेंगे, घर पर करेंगे और पार्क में जाके भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका ग्लॉसरी, मतलब वर्ड मीनिंग है आपकी। ये नंबर वन है प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना या किसी को खुशी देती है ना, वैसी चीज़ें। प्लीजिंग, एंजॉयबल, किसी को सुहावनी लगे, किसी को मजे आए। जैसे मॉर्निंग कैसी थी, प्लीजेंट थी, एक ऐसी ऐसे मौसम, ऐसा सुबह है जो अच्छी लगे, एकदम सुहावनी है। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्रैक। ट्रैक क्या होता है आपका, ट्रैक देखो एक सर, आपने कभी पार्क गए आप लोग, और पार्क के चारों ओर ही आपको लगेगा एक जैसे सीमेंटेड होता है ना राउंड, एक रोड से जाता है थोड़ा सा सर्कल वे में, वो होता है आपका ट्रैक, जो सभी लोग रनिंग करते हैं ना उस पर, तो सर्कुलर पाथ होता है, एक सर्कल वे में होता है वो, उस पर लोग दौड़ते हैं, रनर्स दौड़ते हैं ट्रैक पर। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर पोज। अब देखो पोज होता है पोजिशन लेना, जो हम योगा करते हैं उसकी पोजिशन लेते हैं ना, तो द पोजिशन इन विच समवन स्टैंड्स और सिट, एक ऐसी पोजिशन जिसमें कुछ कोई खड़ा होता है या बैठता है उसे बोलते हैं पोज, मुद्रा, हिंदी में बोलेंगे उसे मुद्रा। ओके, नेक्स्ट है हमारा वंडर। वंडर मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना, किसी को देख के, जैसे वो बच्चे आए थे नितिन शिवम और देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं पार्क में, देख के वंडर्ड हो गए, सरप्राइज हो गए वो, तो किसी चीज़ को जानने की इच्छा। टू नो योर सेल्फ क्वेश्चन और एक्सप्रेस अ विश टू नो अबाउट समथिंग, कुछ जानने की इच्छा होती है ना उसे बोलते हैं वंडर, जानने को उत्सुक होना, दैट्स मीन वंडर। ओके, नेक्स्ट है आपका क्यूरियोसिटी, द डिज़ायर टू नो। देखो नंबर वन, फोर्थ था आपका वंडर, इसका मतलब टू आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन, अपना टू आस्क योर सेल्फ, अपने क्वेश्चन पूछना, तो अपने कि क्या हो रहा है, कि ये जानूँ मैं, मेरी क्या इच्छा है, तो जानने को उत्सुक होना होता है वंडर, और क्यूरियोसिटी होती है द डिज़ायर टू नो अबाउट समथिंग, जिज्ञासा, किसी भी चीज़ को विस्तार से जानना कि अरे ये है तो है क्या, मैं इसे पूरी विस्तार से जानूँ, ये क्या कर रहे हैं लोग, ये किस पोज में बैठे हैं, तो उस पोज को जानना, योगा को जानना, उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होना, किस चीज़ को जानना विस्तार से। नंबर ये हमारा लास्ट, ये रिड्यूस है, रिड्यूस मतलब होता है कम करना, टू मेक समथिंग लेस और स्मॉलर इन साइज, किसी चीज़ को साइज़ में कम करना या बढ़ाना, सॉरी कम करना, टू मेक समथिंग लेस और स्मॉलर इन साइज, साइज़ में उसे कम करना ही रिड्यूस कहलाता है। देखो साइज़ को कम कर सकते हैं, क्वांटिटी कम कर सकते हैं और प्राइस को भी कम कर सकते हैं, तो रिड्यूस मीन होता है टू मेक समथिंग लेस, किसी चीज़ को कम करना, स्मॉलर करना, किस में साइज़ को भी कर सकते हैं स्मॉल, क्वांटिटी कर सकते हैं, प्राइस कर सकते हैं एटसेट्रा, कम करना, इसका मतलब कम करना। प्रेफरेबली होता है इन अ वे दैट इज़ मोर अट्रैक्टिव, जो बहुत अट्रैक्टिव और मोर सुटेबल है, प्राथमिकता के साथ किसी को करना होता है, जैसे मैं इस काम को प्रेफर करता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो किसी चीज़ को प्रेफर करना, प्राथमिकता देना। सीख, एस डबल ई के सीख है, पर टू आस्क फॉर एडवाइस, किसी चीज़ की परमिशन लेना हेल्प के लिए, अप्रूवल के लिए, परमिशन होता है ना किसी की हेल्प करना, कोई पूछने के लिए परमिशन लेना कि सर मैं ये क्लास ले सकता हूँ, सर मैं योगा क्लास ले सकता हूँ, तो किसी चीज़ की परमिशन लेते हैं ना, तो सीख का हो गया उसका। टू आस्क फॉर एडवाइस, एडवाइस के लिए कुछ पूछना, या हेल्प के लिए, अप्रूवल के लिए, या परमिशन के लिए, तो होता है सीख मीन्स टू आस्क। कामली होता है इन अ वे दैट शोज यू आर नॉट एक्साइटेड, कामली मतलब होता है इन अ वे दैट शोज, एक तरीका जिसमें दिखाता है आपको कि यू आर नॉट एक्साइटेड, नर्वस और अपसेट, आप अपसेट नहीं हैं, आप एकदम शांतिपूर्ण हैं, आप शांतिपूर्ण बैठे हैं, योगा कर रहे हैं, तो कामली मीन्स होता है शांतिपूर्वक कोई चीज़ को करना। और ये है हमारा स्लाइटली, स्लाइटली मीन्स होता है अ लिटिल, थोड़ा सा, स्लाइटली मीन्स थोड़ा सा। कम्फर्टेबली होता है इन अ कम्फर्टेबल वे, ईजीली, आराम से,
कंफर्टेबल मीन्स ईजीली। ओके, यदि आपको मेरा लेसन जो मैं रीडिंग कर रहा है चैप्टर अच्छा लगा, आपको समझ आए, तो आप कमेंट में लिख के बताएंगे, और आप कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, और आप कोई भी डाउट है, एनी टाइप ऑफ डाउट, यू कैन आस्क मी इन एनी कमेंट्स। ओके, थैंक यू।